विधानसभा उपचुनाव में मिली हार पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिल्ली में कहा कि महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा 3,000 वोटों से हारे हैं, वहीं गोपालगंज में भी 1,700 वोटों से महागठबंधन के उम्मीदवार हारे थे। देखना पड़ेगा कि कहां चुनाव प्रचार करने में कमी रह गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी समीक्षा की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आज पटना में कुर्नी उपचुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार द्वारा जनता को धोखा देकर महागठबंधन में चले जाने से लोग नाराज थे, उसी का परिणाम है कि कुर्नी उपचुनाव में जदयू को हार का सामना करना पड़ा। कुर्नी में मैं सभी कुर्नी के अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने लगातार मेहनत करके और एक ऐसी सीट जो कि परंपरागत रूप से राजद की और उसके बाद जदयू की थी और एक मिथक को तोड़ते हुए कि जदयू के साथ आ जाने से महागठबंधन अजेय हो गया है, इस मिथक को तोड़ने का काम किया है।